दोस्तों, कोई भी चीज़ रियलिस्टिक तभी लगती है जब उसमें लाइट, मिडल, डार्क ये तीन फैक्टर होते हैं। अगर ये सब तीनों फैक्टर नहीं होंगे तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी होने दो, अगर आप एक बॉक्स भी ड्रॉ कर रहे हो, फिर भी उस बॉक्स में आपको ये सब नज़र आना चाहिए। अभी ये देखो, ये बॉक्स है, इसमें अगर मैं अजूम करूँ कि लाइट लाइट यहाँ से आ रही है तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। ऐसे पकड़ के चलो, ये पूरा डार्क है। अब ये पूरा डार्क हो गया, तो अपना आया इधर डार्क टोन, इधर आएगा मिडल, और ये हो गया लाइट। इसमें भी थोड़ा लाइट में भी वो शेड होते हैं, तो जो बॉक्स का कलर रहेगा उसी कलर में लाइट रहेगा। तो ऐसे ही है, लाइट हो गया, ये मिडल हो गया अभी, देखो अभी ये लग रहा है 3D, लग रहा है कि एक बक्सा है। तो ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। आपको आपको अगर आपका ड्राइंग अच्छा करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर इस पे शेडो भी गिरानी है तो देखो, यहाँ से तो सीधे ही आएगी लाइन, यहाँ से भी सीधी, यहाँ से भी सीधा, और यहाँ तक ऐसा वही लाइन से आएगी। तो इधर से शेडो इसका गिरेगा ऐसा, समझ गए? तो यहाँ से शेडो आया इसका ऐसा। तो ये बहुत सही लग रहा है अभी, ये हो गया 3D। तो इसमें लाइट, मिडल और डार्क, ये तीन तीनों चीज आ गए और ये अभी रियलिस्टिक लग रहा है। पर इसमें भी बहुत चीज़ें और जाननी ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी चीज़ विजुअली एक्यूरेट दिखानी रहेगी, मतलब कोई बिल्डिंग है तो उसको आप आई से नहीं दिखा सकते, उसको एकदम स्ट्रेट ऐसे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 3-पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऐसी दिखाई देती है, ऐसे तो ऐसे ही दिखाई जाते हैं। तो इसमें आता है एक नया, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। देखो पर्सपेक्टिव बताता हूँ अभी मैं। पर्सपेक्टिव जो रहता है ना, वो ऐसा रहता है, एक वैनिशिंग लाइन रहती है, मतलब जो आई लेवल पे ही रहती है लाइन। कोई भी आप सीन देख रहे हो तो ये लाइन कभी भी आपके आंखों के सामने आएगी। अगर जो चीज़ देख रहे हो आप वो आपके आई से नीचे है तो आपको उसका टॉप व्यू दिखेगा, मतलब यहाँ से एक बक्सा है ऐसा, और वो आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये बॉक्स कैसा दिख रहा है अभी आपको, समझ गए? अभी यही बॉक्स ऊपर रहता तो मैं छोटा बॉक्स बना देता हूँ अभी, तो अपने को क्या दिखता? ऐसा अपन ने बॉक्स ऊपर अजूम किया कि ऊपर बॉक्स है, और ये अपने को बॉक्स कैसा दिखे ने, ये आया अपना बड़ा वाला कॉर्नर, ये आ रहा है छोटा वाला, यहाँ से ऐसा हाई लेवल के ऊपर रहेगा तो अपने को ऐसा दिखेगा, और यह से जाएगा। और ये जो भी लाइंस है इसमें, वो सब एक दूसरे को आगे जाके मिलने वाली। ये देखो इसकी लाइंस जो गई है, वो भी एक पॉइंट बना के इधर वैनिशिंग पॉइंट है इसका। ये पैरेलल लाइन जो है वो तो पैरेलल है अभी फिलहाल, बट ये जो लाइंस है ये मिलेगी, इनका ऐसा वैनिशिंग पॉइंट रहता है।
तो मैं डार्क कर देता हूँ आपको समझने के लिए, कैमरे में दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं, तो समझ जाओ। तो ऐसा ही पर्सपेक्टिव रहता है। ये भी बहुत लंबा खींचने वाला टॉपिक है, पर मैं खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा सब चीज़ रहता है। नहीं तो बच्चे लोग बनाते रहते पर उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाने का क्या देखने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हो गया वैल्यू स्टडी, लाइट मिडल डार्क टोनल वैल्यू चेक करने का, ये हो गया पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव तो होना ही चाहिए आपके आपके काम में। और ये हो गया वैल्यू स्टडी। और भी बहुत सारे और सबसे पहले अगर आप कोई भी कौन सा भी ड्राइंग बनाने को जाओ, सबसे पहले जो बनाने जा रहे हो उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व उसको देखो, उसमें कौन से वैल्यूज है वो कहाँ पे, वो समझने का प्रयास करो। उसको देखने के बाद उसको देखते समय ब्लरी आइज से देखो, तो आपको उसकी डायरेक्ट डिटेलिंग ना दिखेगी, उसके आपको डायरेक्ट वैल्यूज नजर आएंगी। पहला वो वैल्यूज को कागज पे उतारो, बाद में डिटेल करनी हो तो उसके ऊपर डिटेल करो। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।